सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। बेंगलुरु की एसआईटी ने हत्याकांड का फरार आरोपी ऋषिकेश दिवाकर को झारखंड के कतरास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऋषिकेश महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है। झारखंड पुलिस के सहयोग से बेंगलुरु से आईएसटीआई की टीम ने उद्योगपति प्रदीप खेमका के आवास पर छापेमारी की, जहां से ऋषिकेश हत्या चढ़ गया। ऋषिकेश कुछ दिनों से यहां पहचान छिपाकर रह रहा था और कतरास में प्रदीप खेमका के पेट्रोल पंप में केयर टेकर के रूप में काम कर रहा था। भगत मोहल्ला में वह पेट्रोल पंप के मालिक के ही घर में किराए पर रह रहा था। बता दें कि गौरी लंकेश हत्याकांड के अधिकतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश के हिंदूवादी संगठन से जुड़े होने की बात कही जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ऋषिकेश को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद ट्रांजिट रिमांड का बेंगलुरु ले जाएगी। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की बेंगलुरु स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि समूह ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की थी जिनकी वह हत्या करना चाहता था और उस सूची में रंगकर्मी गिरीश कर्नाट और केएस भगवान का भी नाम था। एसआईटी को पता चला कि लंकेश की हत्या की साजिश उसी दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने रची जिन पर एमएम कुलबुर्गी की हत्या का आरोप। बहुत हो रहा, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल बात। किस किस चीज़ों की जांच हुई है? या तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है, पूरा बॉडी का चेकअप हो जाता है, चेस्ट है, लंग्स है, और पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, थेरेपी जरूरी है कि नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कैसा है, ये सब चीज़ की जाँच। तो रिपोर्ट हाथों हाथ आप लोगों को देना होगा? एस आई टी वाले जो लेकर के आया है जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।